सभी को राधे राधे। मैं अंशु सिंह और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ढोलक के आगे के स्टेप बताऊंगी। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है ढोलक की, वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आगे के स्टेप बताने से पहले सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको ढोलक सीखने में आ रही हो या मेरे बताए हुए स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहे हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे ये स्टेप नहीं आया है, तो मैं आपको वो स्टेप दोबारा बताऊंगी कि आपको कैसे बजाना है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं स्टेप। उस दिन मैंने आपको ढपली के सारे स्टेप एंड करना बताया था। जैसे हमने बजाया था, ढपली का पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, सेकंड स्टेप बताया था, फिर हमने इसको मैच किया था। ठीक है, तो हमने मैच इसको कैसे किया था, हमने ढपली को मैच किया था। शुरुआत कैसे की थी, यहां तक ढपली मैंने आपकी एंड की थी। तो आज हम ढोलक की स्टार्टिंग करना देखेंगे कि जब हम ढोलक को हाथ में पकड़ते हैं और किसी भजन को स्टार्ट करने से पहले जब हम ढोलक स्टार्ट करते हैं बजाने के लिए, तो वो हम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा उंगली वाला हिस्सा है और ये डबली वाला। तो हम पहला स्टेप यानी कि 1 7 बजाएंगे, सेकंड खाली, ये डबली वाला हिस्सा हम खाली बजाएंगे। कैसे, 1 2 3 4 5, 1 7, दूसरा खाली, तीसरा 7, चौथा खाली, पांचवा 7। ये 5 स्टेप हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इतना बजाने के बाद 2 स्टेप हम साथ लेंगे। यह हाथ को आप ऐसे रख सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं, वो आप जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे आप करें, या 5, टोटल 7 स्टेप होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आपको समझ में आया। देखिए अब मैं आपको ढोलक को इस तरह से बजाती हूँ रखकर, देखिए 1 2 3 4 5। आप हाथ को, डपली के हाथ को चाहे ऐसे रख लें चाहे ऐसे रख लें, आपको जैसे कंफर्ट लगे वैसे रखें। 1 2 3 4 5, इतना बजाने के बाद हम ढोलक स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब भी हमें कभी को ढोलक बजाने के लिए देता है तो डायरेक्ट हम ढोलक स्टार्ट नहीं करते हैं, ढोलक की स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद ढोलक स्टार्ट करते हैं कि जो हम भजन गा रहे हैं उसके हिसाब से हमारी ढोलक चलती है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, एक बार और बड़े ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5, इसके बाद 4 स्टेप यानी 2 7 और 2 7, ये हम अलग बजाएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5,
तो आपने देखा कि स्टेप मैंने कैसे बजाए हैं। आपको इन स्टेपों में कोई भी कमी दिखाई पड़े, कोई भी आपको समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि 19 तारीख से गणेश जी सभी घरों में आ रहे हैं। तो मैंने आपको उस दिन भी आपको गणेश जी के आवाहन का एक भजन सुनाया था, आज भी मैं आपको एक कड़ी गणेश जी के भगवान की और सुनाती हूँ। और कहते हैं कि जब गणेश जी परिवार में आते हैं या जिसके भी घर में आते हैं और जब जाते हैं ना, तो सारे विघ्न हर कर ले जाते हैं। तो चलते हैं और उनके आवाहन का एक छोटा सा गीत, क्योंकि सब प्रथम गणेश जी पूज जाते हैं। कहते हैं कि गणेश जी विघ्न करता है और मंगल करता है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो उनके आवाहन से करते हैं। चाहे वो भजन संध्या हो, चाहे कीर्तन हो, कहीं भी आप किसी भी पूजा का आवाहन करते हैं तो सब प्रथम गणेश जी को मनाते हैं। तो यहाँ पर भी गणेश जी का आवाहन करेंगे, गणेश जी का आवाहन करते हैं और छोटा सा भजन उनके लिए गाते हैं और कहते हैं, दास तेरे हे गजानन ध्यान धरते हैं, दास तेरे हे गजानन ध्यान धरते हैं, तेरे चरणों में प्रभु प्रणाम करते हैं, तेरे चरणों में प्रभु प्रणाम करते हैं, दास तेरे हे गजानन ध्यान धरते हैं, दास तेरे हे गजानन ध्यान धरते हैं, तेरे चरणों में शुभ साथ में लाना, दास का अनुरोध दाता भूल ना जाना, रिद्धि सिद्धि लाभ और शुभ साथ में लाना, दास का अनुरोध दाता भूल ना जाना, तेरी शक्ति का तो शिव जी मान करते हैं, तेरी शक्ति का तो शिव जी मान करते हैं, चरणों में प्रभु प्रणाम करते हैं, जय हो तेरे चरणों में प्रभु प्रणाम करते हैं, दास तेरे हे गजानन ध्यान धरते हैं, दास तेरे हे गजानन ध्यान धरते हैं, तेरे चरणों में गणपति महाराज की जय। तो विदा होने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपको जो भी स्टेप बार बार मैं बताना चाहती हूँ कि आपको जो भी स्टेप ढोलक में समझ में ना आए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जाते हुए मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिल सके और आपका आशीर्वाद भी चाहिए। तो कहते हैं राधे राधे।